गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए हेड कोच। गंभीर ने टीम से जुड़ने के बाद अपने सहयोगियों के रूप में कुछ नाम सुझाए थे। रिपोर्ट्स हैं कि बीसीसीआई ने इन्हें मान लिया है। क्विक बस का दावा है कि बीसीसीआई नीदरलैंड्स के रायन टेन डस्कार्ट और भारतीय अभिषेक नायर को गंभीर के साथ जोड़ेगी। इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स का दावा है कि नायर और डस्कार्ट गंभीर के साथ श्रीलंका दौरे पर जाएंगे। नायर हाल तक कोलकाता नाइट राइडर्स के असिस्टेंट कोच थे, जबकि डस्कार्ट भी इस टीम के फील्डिंग कोच रह चुके हैं। गंभीर ने इस टीम के मेंटोर के रूप में काम किया हुआ है। भारतीय टीम से जुड़ने से पहले गंभीर केकेआर के मेंटोर थे और इस टीम ने आईपीएल 2024 का खिताब भी जीता था। खबर ये भी है कि टीम इंडिया के मौजूदा फील्डिंग कोच टी दिलीप को रिटेन किया गया है, यानी वो टीम के साथ जुड़े रहेंगे। अभी तक टीम का बॉलिंग कोच तय नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि पूर्व साउथ अफ्रीकी पेसर मॉनी मॉर्कल इस रोल के लिए हायर किए जा सकते हैं। मॉर्कल भी केकेआर में गंभीर के साथ काम कर चुके हैं, साथ ही वो साल 2014 से 2016 तक गंभीर की कप्तानी में इस टीम के लिए खेले भी थे। मॉनी साल 2014 के आईपीएल विजेता भी रह चुके हैं। रिपोर्ट का दावा है कि दिलीप और नायर टीम के साथ श्रीलंका जाएंगे। हालांकि डस्कार्ट के बारे में अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा रहा है। वो अभी मेजर लीग क्रिकेट यानी कि एमएलसी में एलए नाइट राइडर्स के कोचिंग स्टाफ में काम कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि वो इस सीजन के खत्म होने के बाद टीम इंडिया से जुड़ेंगे या बीच में ही। बॉलिंग कोच की बात करें तो बोर्ड अभी मॉर्कल से चर्चा कर रहा है, लेकिन इस बारे में कुछ भी पक्का नहीं हो पाया है। इस बीच बोर्ड ने श्रीलंका टूर के लिए भारतीय टीम घोषित कर दी है और टीम सामने आने के बाद फैंस और पूर्व क्रिकेटर्स दो टुकड़ों में बट गए हैं। कई लोगों को इस टीम में ना चुने गए प्लेयर्स के नाम देखकर हैरानी हो रही है, तो कुछ लोग T20I की कप्तानी हार्दिक पांड्या को ना मिलने से दुखी हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 में हार्दिक भारतीय टीम के उपकप्तान थे। उन्होंने बैट और बॉल दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन कर भारत को वर्ल्ड कप जिताने में बड़ा रोल निभाया था, लेकिन नए कोच को उनकी फिटनेस पर भरोसा नहीं है, इसलिए सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया है। इतना ही नहीं, हार्दिक की वनडे टीम में अब जगह भी पक्की नहीं रही। गंभीर चाहते हैं कि हार्दिक पहले पूरे 10 ओवर फेंककर अपनी फिटनेस साबित करे। श्रीलंका टूर की वनडे टीम में हार्दिक शामिल नहीं है। अब अगर हार्दिक को ओडीआई टीम में अपनी जगह बनानी है तो उनको 10 ओवर का कोटा फेंकना ही होगा, नहीं तो उनको दिक्कत हो जाएगी। टीम ऐसे पेस बॉलिंग ऑलराउंडर चाह रही है जो पूरे 10 ओवर फेंक पाए। साथ ही अगर हार्दिक टीम इंडिया से बाहर होते हैं तो उन्हें घरेलू टूर्नामेंट्स खेलने पड़ेंगे। बीसीसीआई की पॉलिसी इस बारे में एकदम साफ है, अगर आप फिट हैं और टीम इंडिया के लिए नहीं खेल रही हैं तो घरेलू टूर्नामेंट्स खेलने ही पड़ेंगे। विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह के अलावा बाकी सारे प्लेयर्स पर यह नियम लागू होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।